5 दिन बचे हैं प्राइस हाइक होने में। अगर आप आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही ले लीजिए, जो कि ओल्ड प्राइस है उसी पे, ठीक है, जो प्राइस हाइक होने वाला है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि जो प्राइस हाइक हो और वो आपको पे करना पड़े, तो आप आईआईटी जैम के लिए सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए। 5 दिन बाद ध्यान दीजिएगा प्राइस हाइक होने वाला है आईआईटी जैम का, जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा चार्जेस बढ़ जाएंगे उसके। तो इसका लिंक जो है आईआईटी जैम का, अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके आज इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अचीवर्स फॉर जैम 22 बायोटेक्नोलॉजी बैच 5th स्टार्ट हो रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स चपराला चंद्रशेखर, अवंतिका बंसल, हरी मोहन, देवाशीष कर, मनीषा पल्लवी। और ये जो है बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल को, तो आज ही इनरोल कीजिए इस बैच के लिए। ध्यान दीजिएगा आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वरना 4-5 दिन बाद आपको बढ़े हुए प्राइसेस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और एक चीज है आपके लिए, अनअकैडमी ला रहा है अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UGCNET सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप डेट याद रखिएगा, अप्रैल 18 संडे को 12 बजे से लेके 1:15 के बीच में आपका ये टेस्ट होगा लाइफ साइंसेस के लिए, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा। और आपके पास मौका है कि आप अगर रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 2 से 10 आता है आपका तो 75% स्कॉलरशिप 6 मंथ के और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 3 में तो 35-50% स्कॉलरशिप सेम आपका सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 36 और रैंक 150 अगर आपका आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है राइट साइड में आपका दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। सेम लाइफ साइंसेस के जैसे ही आपको मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी चांस मिलता है, सेम डेट सेम टाइम 30 क्वेश्चंस विथ सेम बेनिफिट्स। तो इसका सारे का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके अकेडमी एक्सेलरेट के लिए या तो आईआईटी जैम का जो मैंने आपको बताया उसको एनरोलमेंट के लिए आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी का ये लास्ट पार्ट है, इसमें मैं जो भी बचे हैं 4-5 क्वेश्चन वो सॉल्व करा देता हूं। और फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पीडीएफ का लिंक भी मैं दे देता हूं, जिससे आप ये जो सारा था माइक्रोबायोलॉजी का पूरा वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जिसका क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो फिर से आपको पता है टीएमवी बहुत पॉपुलर वायरस है आपका, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो क्या होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन सीड इज, मैंने आपको बताया था जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन वायरसेस पढ़ते हैं, फिर वायरॉइड पढ़ते हैं, वायरॉइड यही है आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन सीड। और वैसे ही प्रायोन्स होते हैं जहाँ पे केवल ही प्रोटीन होता है, वो इन्फेक्शस पार्टिकल होते हैं उनके पास, वो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन सीड इज कॉल्ड एज वायरॉइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक डेफिनेट सेल वॉल, कौन सा है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा उसी का है, पर यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है तो वो माइकोप्लाज्मा। बाकी फंजाई में आपको सेल वॉल मिलता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलता है और साइनोबैक्टीरिया में भी आपको सेल वॉल मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, बैक्टीरियोफाज वाज डिस्कवर्ड बाय, से पूछा गया है कि बैक्टीरियोफाज किसने डिस्कवर किया था, मेयर, स्टैनले, इवानोवस्की या ट्रॉट ने। तो ट्रॉट ने ही जो है बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया था। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रॉट दे हर्ले फिनोमिनन किससे रिलेटेड है, तो वो बैक्टीरियोफाज से ही रिलेटेड है। ठीक, और इसके डिस्कवरर भी ट्रॉट ही हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, All life on the earth is derived with energy directly or indirectly from the sun, except कह रहा है जो सभी life forms हैं अर्थ पे वो directly या indirectly जो है
सन से ही एनर्जी उनको मिलता है, पर इसमें से कौन सा है जो इसका एक्सेप्शन है? तो माइक्रो फंजाई यही है, वो सन से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है एनर्जी डिराइव करते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के सेंस में भी ये ट्रू है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी, ठीक। लेकिन अगर आप बात करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे जो अपने ऑर्गेनिक फूड हैं वो इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे ही डिराइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, बैक्टीरिया लैक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। इसमें से आपको बताना है कि बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, आरएनए, राइबोसोम, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि ऑर्गेनेल जो होता है या मेम्ब्रेन सिस्टम जो है नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पे नहीं आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, प्रायोन्स जिसे हम स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट बोलते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो मैंने आपको हमेशा से डिस्कस किया है प्रायोन्स क्या होते हैं, ये केवल प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ओनली की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, वो वायरॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, इन्फेक्टिव पोर्शन ऑफ अ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड एंड वॉज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है इन्फेक्टिव पोर्शन जो होता है वायरसेस का वो प्रोटीन ना होकर के न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसको किसने डिस्कवर किया था? तो अगर आपको याद हो हर्सेन चेस का एक्सपेरिमेंट जहां पे उन्होंने फास्फोरस का यूज किया था और सल्फर का यूज किया था, सल्फर का यूज करके उन्होंने जिसको प्रोटीन कवरिंग होता है उसको टैग किया था, और फास्फेट का यूज किया था, फास्फोरस का एक्चुअली डीएनए में जो फास्फेट होता है उसको टैग करने के लिए। तो इस और जो उनका एक्सपेरिमेंट था हर्सेन चेज का, उससे उन्होंने ये प्रूव किया था कि वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या इन्फेक्टिव पोर्शन जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्की बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा जो है आर्की बैक्टीरिया में आता है? ग्रीन सल्फर, मेथेनोजेंस, ब्लू ग्रीन या रिकेट्सिया। तो मेथेनोजेंस हो गए आपके, या हाइपर क्या होता है, हाइपर स्ट्रीमोफाइज ऐसे कुछ करके नाम है, मेथेनोकॉकस, ये जो सारे टर्म्स है, तीन चार चीजें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। ये क्या है? मेथेनोजेंस मतलब जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं एनऑक्सीजेनिक कंडीशन में, तो वो आर्किया से बिलोंग करते हैं, इसे हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो मेथेनोजेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन यूनिसेरिएट चेन्स आर नोन एज। जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली बहुत सारे टाइप में वो अपने सेल को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कॉकस हो गया जब सिंगल सेल हो, डिप्लोकॉकस में दो सर्कुलर सेल हो, स्टेफेलोकॉकस में बहुत सारे सेल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं जब एक लीनियर चेन में अरेंज होते हैं स्पेरिकल बैक्टीरिया, ठीक, सार्सिना में 8 और टेट्राड में 4। तो ऐसे क्या होगा आपका, स्ट्रेप्टोकॉकस हम बोलते हैं जो भी स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं उनमें, जो ये इसका स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं ये एक यूनिसेरिएट चेन के रूप में अरेंज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, वायरल वैक्सीन कंटेन, जो वायरस का कोई वैक्सीन अगर बनाया जाता है तो वहां पे क्या रहता है? लाइव वायरसेस, हीट किल वायरसेस, एक्सट्रैक्ट ऑफ पैथोजेनिक वायरसेस और लाइव एटोनिएटेड वायरसेस। तो वायरल का वैक्सीन जो बनता है वायरस का, वहां पे क्या होता है, लाइव एटोनिएटेड वायरसेस रहते हैं, मतलब लाइव वायरसेस रहते हैं लेकिन उनकी जो डिजीज कॉजिंग वो होती है एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, डाउन कर देते हैं। तो वहां पे आपका क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनता है लेकिन आपको वो डिजीज नहीं होगा उस वायरस से। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, एंटोनी वॉन लीवनहॉक द फर्स्ट टू डिस्कवर बैक्टीरिया बिलोंग टू। कह रहे जो एंटोनी वॉन लीवनहॉक थे वो कहाँ के थे? तो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, बॉटुलिन टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। बॉटुलिन टॉक्सिन जो होता है किससे प्रोड्यूस होता है? क्लॉस्ट्रिडियम, ज़ैंथोमोनास, बैसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो जो बॉटुलिन टॉक्सिन है ये किससे निकलता है आपका, जो आपका क्लॉस्ट्रिडियम में एक बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, माइकोप्लाज्मा को किसने डिस्कवर किया था? तो माइकोप्लाज्मा से दो तीन चीजें बहुत पूछी जाती हैं, एक तो ये सेल वॉललेस है, कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स जो है पूछे जाते हैं, कौन सा इस पे वो किसके लिए सेंसिटिव है, तो जो बीटा लैक्टाम ग्रुप के होते हैं, पेंसिलिन वाले जो ग्रुप में आते हैं वो इस पे इफेक्ट तो इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? नोकार्ड एंड राक्स ने।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये क्वेश्चन का सलूशन मुझे नहीं मिला कहीं पे, और ये कहीं पे गेट वेट में एक बार पूछा गया था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन मिलता है या एक्सप्लेनेशन मिलता है तो ज़रूर जो है कमेंट करिएगा, मुझे ही बताइएगा। ओके, तो ये था सारा का सारा माइक्रोबायोलॉजी आपका ख़त्म हो गया। 2008 से लेके जो 2020 तक के जो भी क्वेश्चन आए थे BHU में, वो सारे के सारे उसका मैंने आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब इसका आप जो है PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।